देखो सीधी बात, गूदा चाहिए। प्रशांत नील जैसा कॉन्फिडेंस हर एक फिल्म मेकर में होना चाहिए। जो भाई पहले ही बता दिया कि सलार और केजीएफ का कोई भी कनेक्शन नहीं होने वाला है। जहाँ सलार बेसिकली प्रशांत नील की ही पहली मूवी उग्रम का अपग्रेडेड वर्जन होने वाली है, जिसमें ये हमारे सामने दो दोस्त वरदराज मन्नार और देवा की कहानी को सामने रखेगी कि कैसे खानसर जैसे दकित लोगों के एम्पायर में इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू हो गई। सत्ता का घिनौना खेल खेलने के लिए भाई दो क्लैंस आपस में एकजुट होंगे ताकि वो राज मन्नार के बेटे वरदराज मन्नार को खत्म करके अपना एक नया शासन वहाँ में लेके आए। और ट्रेलर से पता चल रहा है कि वो इसमें कई हद तक सफल भी हो जाएंगे, अंटिल अनलेस वरदराज मन्नार अपने दोस्त देवा को इस गेम में ना उतारे। जाबाई प्रभास का देवा इस खेल का सबसे कीमती मोहरा भी इसलिए होगा क्योंकि वो इस झमेले में शुरू में तो बस अपनी दोस्ती निभाने के कारण आएगा, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे प्रोग्रेस करेगी ही विल बी दैट मच केपेबल कि अब वो सारे खानसार की दीवारों को हिला दे। जाबाई ट्रेलर में प्रभास का इतना कम दिखना तुम इस बात को इस तरह भी ले सकते हो कि इसके टीजर में प्रभास को डायनासोर बताया गया था, जो हर बार भी हर किसी एक छोटी मोटी मूड बेड में नहीं उतरेगा बल्कि वो जब फोड़ना शुरू करेगा तब होगा असली भौकाल। जहाँ प्रशांत नील अपने प्रोटैगनिस्ट को कितना ज्यादा स्टाइलिश और खूबसूरत दिखाते हैं ये मुझे बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। जिसमें भले ही सलार अभी भी वो केजीएफ के उस टोन और वैसी सिनेमेटोग्राफी की याद दिला रही है, ऊपर से सलार की मार्केटिंग को भाई हर एक की गांड में उंगली क्यों करनी है आई रियली डोंट नो। आई मीन पहली बात तो ये सलार को एसआरके की डंकी के साथ क्लैश करवा रहे हैं जो कि भाई एसआरके फिलहाल अपने टॉप गियर में चल रहे हैं। ऊपर से इसके ट्रेलर को एनिमल की ही रिलीज डेट पर ड्रॉप करना, भाई भाई तुम लोग करना क्या चाहते हो। खैर सलार के साथ वो ओल्ड प्रभास भी कमबैक करे ऐसी ही उम्मीद करते हैं। आपके सलार के इस ओवरऑल ट्रेलर को लेकर क्या ओपिनियन से कमेंट्स में जरूर शेयर कर देना। वीडियो पसंद आया होगा तो फिर वीडियो को भी लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए हास्ता ला विस्ता।